मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी ही है, किसानों का भला कभी नहीं कर सकते। आय दुगुने की बात किए थे कि किसी किसान का आय दुगुना हुआ नहीं, 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, आंदोलन करते समर्थन मांग ही रहे थे, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, और अब हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें अड़ंगा पेड़ंगा अड़ंगा पेड़ंगा ये लगा रहे हैं, आप नकल कर रहे हैं, हमारा नकल कर रहे हैं। इसे 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहू नेता बैठे हैं, खड़े हैं, कर्मा जयंती कितनी मांग की अवकाश दे दो, आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो, रमन सिंह के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए हैं, सद्बुद्धि आई, अभी चले पीछे पीछे और पीछे रहेंगे ही। छत्तीसगढ़ में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वही विधानसभा में शासकीय संकल्प के माध्यम से प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य बने, तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी पहल नहीं थी, उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र तो कर दिया था, लेकिन प्रस्ताव जब तक राज्यों से प्रस्ताव नहीं होगा कैसे बनेगा। अब हमने शुरुआत की, ठीक है, थैंक यू। सियावा में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तो लगातार हम लोग चंदखुरी से शुरू किए थे, श्री नारायण राजे में, उसके बाद चंपारण और अब सियावा में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें गृह मंत्री और पर्यटन मंत्री के साथ हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले जब से 86 लाख मीट्रिक टन से 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात भारत सरकार ने की है, तब से वो बोलना बंद कर दिए हैं, धान हम खरीदते हैं। दूसरी बात, आज बायोमेट्रिक्स की बात भारत सरकार ने कर दिया अनिवार्य, उत्तर प्रदेश में जो खरीदी है वो सबसे बढ़िया है और इस कारण से किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश पूरे चुनाव भर रहा, ठंड के दिनों में रहा, देखा, और वहाँ किसान धान 1200 रुपये में बेच रहे थे। किसानों से पूछा, आप बेचते हैं, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, पता ही नहीं चलता, जबकि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी की व्यवस्था सबसे बढ़िया है। जहाँ किसानों के धान के रकबा, उसको आधार कार्ड से लिंक किया गया है, भुइयां से लिंक किया गया है, सोसाइटी के पास भी है, गिरदावरी भी की जाती है, और सभी किसानों के धान खरीदे जाते हैं, और 107 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल हम लोगों ने खरीदा। ना बारदाने की कमी आई, ना तौल में परेशानी आई, ना ट्रांसपोर्टिंग में, ना धान के उठाव में, ना पेमेंट में। उसके बावजूद भी भारत सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या दुर्भावना है, कि अब 86 लाख मीट्रिक टन से 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया और बायोमेट्रिक्स कर दिया है। हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि बायोमेट्रिक्स, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ बायोमेट्रिक्स। एनपीजी का डिजिटल चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।